हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बनाने वाले हैं लिट्टी चोखा, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर डिश है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इसको बनाने के लिए मैंने बैंगन लिया है। चोखा बनाने के लिए बैंगन में हम ऐसे लंबे लंबे कट्स कर लेंगे इसको वॉश करके, और इसके अंदर हम गार्लिक और चिलीज़ को अच्छे से रख लेंगे ताकि हम सारी चीज़ों को एक साथ रोस्ट कर सकें और हमें अलग अलग रोस्ट ना करना पड़े। ये देखिए, यहाँ पर मैंने चिली भी ऐड कर दी है। इसमें चिली थोड़ी ज़्यादा डलती है, बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको गैस पर एक नेट रखना है, उसके ऊपर आप बैंगन को रोस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से आप बैंगन को रखें और रोस्ट करें। साथ में मैंने टमाटर भी रोस्ट कर रही हूँ, आप टमाटर को भी इस तरह से रखें और रोस्ट कर लें। और जब एक साइड से थोड़ा सा रोस्ट होने लगे तब आप इसको टर्न कर सकते हैं ताकि ये कि हर तरफ से ये इवनली कुक हो जाए। जब आपको लगे कि आपका जो बैंगन है वो अंदर तक रोस्ट हो चुका है तब आप इसको निकाल लें प्लेट में और इसको थोड़ा सा कूल होने दें ताकि आप इसको इजीली हैंड से यूज़ कर पाए। तब तक हम अपनी फिलिंग की प्रिपरेशन कर लेते हैं। फिलिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बोल में सत्तू लिया है। सत्तू अपने आप में एक सुपर फूड होता है, ये रोस्टेड चने का पाउडर होता है। सत्तू में अब हम ऐड कर देंगे ग्रीन चिलीज, गार्लिक, अनियन, अनियन को भी आपको फाइनली चॉप करना है। मिंट लीव्स ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, अदरवाइज आप अवॉइड भी कर सकते हैं। चॉप्ड कोरिएंडर, अब हम अपने सारे मसाले भी ऐड कर देते हैं। कोरिएंडर पाउडर, चिली पाउडर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अब हमें यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल का यूज करना है। अगर आप ऑथेंटिक लिट्टी बनाना चाहते हैं तो उसमें आपको मस्टर्ड ऑयल को यूज ही करना होगा, आप कोई और ऑयल यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ, एंड डोंट वरी, मस्टर्ड ऑयल हेल्दी होता है। मैंगो पिकल और थोड़ा सा लेमन जूस, हम इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसमें ऑयल इतना डालना है ताकि वो जो सारा जो मिक्सचर है वो अच्छे से वेट हो जाए। अब हम इस मिक्सचर को साइड में रख लेते हैं और डो प्रिपेयर कर लेते हैं। डो प्रिपेयर करने के लिए मैंने यहाँ पर होल व्हीट आटा लिया है। इस आटे में मैंने सॉल्ट ऐड किया है, थोड़ा सा आटे को सपोर्ट करना होगा, उसके लिए हम इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर रहे हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और एक टाइट डो बना लेंगे। अब मैं इस डो को 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देती हूँ। हमारे बैंगन थोड़ा सा कूल हो गए हैं, अब हम इसके ऊपर से बैंगन और टमाटर के ऊपर से स्किन निकाल देंगे। स्किन निकाल लें आप इसी तरह से सारे बैंगन और टमाटर से, और जो आपने गार्लिक और चिलीज को उसके साथ रोस्ट किया था उनको भी आप निकाल के रख सकते हैं। अब हम इनको चॉप कर लेंगे। और चोखा बनाने के लिए हमने जो ये पल्प निकाला है वेजिटेबल का, इसको हम एक किसी बोल में लेंगे और इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। और मैश करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे अनियन, कोरिएंडर, जिंजर गार्लिक, सॉल्ट, चिली फ्लेक्स, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल मैं यहाँ पर 2 से 3 टेबलस्पून ले रही हूँ, वो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए, हमारा चोखा तैयार हो गया है। हम इसको साइड में रख लेते हैं और अपनी लिट्टियों को तैयार कर लेते हैं। अब हम इसको बनाने के लिए जो हमने डो बनाया था उसकी हम बॉल्स बना लेंगे और इस तरह से हम फिल कर लेंगे जो हमने सत्तू की फिलिंग बनाई थी। अच्छे से उसको पैक कर दें, बंद कर दें ताकि आपकी लिट्टी फटे ना। आप चाहें तो मैं यहाँ पर नाइफ से लिट्टी को थोड़ा सा शेप दे रही हूँ, डिज़ाइन बना रही हूँ, आप प्लेन भी बना सकते हैं। लिट्टी को यहाँ पर हम बेक करेंगे 25 से 30 मिनट के लिए 375 डिग्री सेल्सियस पर। और ये देखिए, 20 से 25 मिनट बाद हमारी लिट्टी बिल्कुल रेडी है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमने इनको बेक किया है तो इनके अंदर वो ब्राउन कलर नहीं आया है। वो ब्राउन कलर लाने के लिए मैं यहाँ पर इनको एक पैन में ड्राई रोस्ट करूँगी। ये देखिए, इस तरह से आप लिट्टी को पैन में रखें और कवर कर दें। 10 से 15 मिनट के लिए उसको रोस्ट होने दें।
और जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाएंगी तो इनके अंदर जो एक उनका ऑथेंटिक कलर है ब्राउन वो आ जाएगा। ये देखिए हमारी लिट्टी के ऊपर कितना अच्छा ये कलर आया है। तो चलिए अब हम जल्दी से सर्व करते हैं।